जयहिंद वॉरियर्स वेलकम टू एम अचीव डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल आई एम रोहित ठाकुर चलिए भाई शाबाश एवं जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर जरूर करिए आज की जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है वो मैं लूंगा और थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी की वजह से जो है कासिफ सर आज की क्लास नहीं ले पाएंगे चलिए भाई एवरी स्टार्ट ज्वाइनिंग इन सुप्रिया पूजा धनंजय साइलेश निहाल वसुधा Jyoti Rekha as well Jai Hind good evening to all of you चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए और जिन्होंने अभी तक जो है एम बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है भाई जाइए एम बाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए वहां पर जो है आपको डिफेंस का अनलिमिटेड कंटेंट मिलेगा यू कैन क्रिएट योर ओन मॉक टेस्ट एज वेल और अपनी जर्नी जो है आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा जो है आप प्रोग्रेस कर रहे हो एग्जामिनेशन पे अब आपका जो एफकेट एग्जाम है सीडीएस एग्जाम है सीएपीएफ एग्जाम जो है लाइंड अप है तो जितना जरूरी हो सकता है उतना ज्यादा बेसिकली आप जो है क्लासेस लगाइए बाकी जितनी क्लासेस चल रही हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पे लगाइए आज की जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू पे अटेंशन टू दी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आज की हेडलाइंस देखते हैं जो कि लेके आई है एमवी टाइम मैगजीन की 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन लिस्ट हुई रिलीज अहमदाबाद और केरला ने लिस्ट में बनाई जगह भारत ने डेडलाइन से पहले किए क्लीन एनर्जी टारगेट अचीव सिडनी एनर्जी फोरम में पावर मिनिस्ट्री का बयान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हुआ रिलीज भारत 146 देशों में से रहा 135वें स्थान पर तमिलनाडु सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में किया क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट डब्ल्यू का जीनोमिक टेक्नोलॉजीज पर बयान कहा लो और मिडिल इनकम देशों के लिए है जरूरी चलिए भाई वॉरियर्स हेडलाइंस जो आई होप आप सबने हेडलाइंस देख ली होगी आज की जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए भाई सबके सब जो है एक बार जो क्लास का जो लिंक है उसको प्लीज अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए टेल देम टू ज्वाइन दी क्लास जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ जुड़ सकेंगे चलिए भाई एवरी वन गुडी आदर्श अमित सुप्रिया जय हिंद चलिए में पहली जो न्यूज है आज की देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारी ऑलवेज नेशनल इंपॉर्टेंस नेशनल इंपॉर्टेंस की पहली न्यूज है जो कि है एज पर दी टाइम मैगजीन की जो लिस्ट उन्होंने बेसिकली रिलीज करी है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेज

ऑफरिंग न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस अब आपको ध्यान में क्या रखना है भाई कौन कौन सी दो जगह जो है भारत से सेलेक्ट करी गई है वो आपको ध्यान रखना है एक तो अहमदाबाद सिटी और दूसरी जो हमारी हमारा राज्य है केरला दो को जो है भाई टाइम मैगजीन में टॉप फिफ्टी में जो है बेसिकली आ, इंक्लूड किया है अब इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज़ों आपको जो ध्यान रखनी है इस न्यूज की अहमदाबाद को क्यों इंक्लूड किया गया है बेसिकली इस लिस्ट के अंदर बिकॉज इंडिया फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद बोस्ट बोथ द एशियंट लैंडमार्क्स एंड कंटेम्परेरी इनोवेशन दैट मेक्स इट अ मेका फॉर कल्चरल टूरिज्म फ्रॉम सेरीन गांधी आश्रम दैट सिट्स 36 सिक्स एकर्स ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर टू नवरात्रि अ वाइब्रेंट नाइन डे सेलिब्रेशन बिल्ड एज द लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल इन इंडिया बेसिकली आपको ध्यान रखना है भाई इंपॉर्टेंट है ये चीज़ प्लीज ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद को जो है इंक्लूड किया गया है बिकॉज वहां पे बहुत ही ज़्यादा कल्चरल टूरिज्म है डांडिया वहां का फेमस है और साबरमती रिवर जो है आपको पता है वहां से बहती है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको इंक्लूड किया गया है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और काफ़ी बड़ी सिटी है एंड जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया यू शुड डेफिनेटली विजिट इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी अब नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है केरला को क्यों इंक्लूड किया गया सबको ही पता वे केरला स्पाइस गार्डन बेसिकली केरला इज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट फॉर इट्स स्पेक्टेकुलर बीचेस एंड लश बॉटर्स टेम्पल्स एंड पैलेसेस इट्स नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री दिस ईयर केरला इज बूस्टिंग मोटर होम टूरिज्म इन इंडिया टू इंस्पायर न्यू स्टाइल ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड अकोमोडेशन तो केरला को भी इंक्लूड किया गया है केरला में बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए तो so, आपको ध्यान रखना है जो दो जगह इंडिया से सेलेक्ट करी गई है टॉप फिफ्टी में जो एक्सप्लोर कर, करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है दैट इज अहमदाबाद आपको ध्यान रखना है और दूसरी जो हमारा स्टेट है दैट इज केरला को आपको ध्यान रखना है ठीक है क्लियर है भाई सबको पहली न्यूज एवरीवन शाबाश भाई कमेंट करके बताते चलो मुझे एक न्यूज फर्स्ट क्लियर है किसी को भी कोई डाउट है तो एस्पिरेंट्स कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू गाइस कैन क्लिक वहां पे जो है आपको व्हाट्सएप का लिंक टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सएप में हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हो यू कैन आस्क योर डाउट्स रिलेटेड टू डिफेंस एग्जामिनेशन जो भी आपके मन के अंदर आता है तो क्लियर चलिए भाई वेरी गुड वेरी गुड और जो जोश है आपका एग्जामिनेशन एग्जाम पास आ रहा है भाई एग्जाम पास आ रहा है तो एग्जामिनेशन के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम फुल होनी चाहिए इट शुड बी लाइक पहली अटेम्प्ट में जितने भी फर्स्ट टाइमर्स है फर्स्ट टाइम में यू हैव टू क्लियर दी रिटर्न एग्जामिनेशन रिपीटर्स है तो उनको और ज्यादा अच्छे से जो है प्रिपेयर करके रेगुलर क्लासेस लगा के मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो एम बाइप की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेगुलर मॉक टेस्ट जो है वहां पर लगाइए चलिए शाबाश वेरी गुड आदर्श नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज अगेन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंडिया हैज अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट्स बिफोर डेडलाइन सेज आर के सिंह पावर मिनिस्टर आर के सिंह सेट एट सिडनी एनर्जी फोरम दैट इंडिया हैड अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट्स नाइन ईयर्स अहेड ऑफ दूल इंडिया एनर्जी कैपेसिटी विच इज फोर्टी वन परसेंट ऑफ दंड्रेड टू जीगा वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इंस्टॉल तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए भाई कितना जो इंडिया ने अचीव कर दिया तो फोर्टी वन परसेंट जो इंडिया ने अचीव कर दिया कहां पर डिक्लेयर किया भाई सिडनी एनर्जी फोरम में जो है पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने जो है ये डिक्लेयर किया तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है 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 बहुत इंपॉर्टेंट देखो वन लाइनर्स भी भी आते भी आते हैं हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड तो दोनों चीजों को करके आपको जो करंट अफेयर्स को बेसिकली पढ़ना है अगर वन लाइनर्स आएंगे तो कैसे आपको ध्यान रखना है और स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे तो आपको बैकग्राउंड के साथ उस न्यूज के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है चलिए भाई अब कुछ बेसिकली देखते हैं कि सिडनी एनर्जी फोरम बेसिकली है क्या लेड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्लीज ध्यान रखिएगा भाई इट इज लेड बाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द सिडनी एनर्जी फोरम विल विल फोकस ऑन डेवलपिंग एट स्केल द न्यू टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल टू अचीविंग ग्लोबल नेट जीरो ग्लोब गोल्स एंड ओवरकमिंग दी चेन चैलेंजेस स्टैंड इन अब बेसिकली किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है आपको ध्यान रखना है एक तो रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के लिए और सप्लाई चेन में अगर कोई चीज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक जो होता है उसमें कमी आ रही है तो उस चीज को मापने के लिए चीज जो है लाई गई है पार्टिसिपेंट्स आपको ध्यान रखना है मिनिस्टर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है जापान इंडिया इंडोनेशिया एंड पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ समोआ आर अटेंडिंग दी फोरम प्लीज रिमेंबर ये कंट्रीज के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं सिडनी फोरम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स से मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है जापान आपको, आपको ध्यान रखना है बेसिकली यूएसए जापैन आपको ध्यान रखना है इंडिया आपको ध्यान रखना है पैसिफिक आयलैंड से जो है कंट्रीज ने यहां पे पार्टिसिपेट किया तो प्लीज एंड इंडोनेशिया एज वेल प्लीज ध्यान रखना भाई ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई सिडनी फोरम में इन ऑप्शंस में से किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है या किस कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो लिमिटेड कंट्रीज है तो डेफिनेटली आपसे जो है पूछा जा सकता है क्लियर एवरीवन एवरीवन एक बार प्लीज कमेंट करके बताओ भाई न्यूज क्लियर है सबको शाबाश भाई वेरी गुड देखो लाइक और जो शेयर है जितने भी लोग एटलीस्ट वॉच कर रहे हो गिव अ थम्स अप जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतने ज्यादा जो रीच है वीडियो की की लाइव सेशन वो ज्यादा इंक्रीज होती है चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते दैट इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एज वेल well. तमिलनाडु सेट्स अप क्लाइमेट चेंज मिशन इन ऑल थर्टी डिस्ट्रिक्ट अब पूरी की पूरी अट्ठतीस डिस्ट्रिक्ट में जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि भाई वो सेटिंग अप क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो सेटअप करेंगे वेरी गुड शायलेश रेखा अनिमा वेरी गुड वही लिंक जो है शेयर करिए जितने भी टेलीग्राम वॉट्स में आप एसोसिएटेड एक बार वहां जाके शेयर करिए वेरी गुड तो थर्टीएट डिस्ट्रिक्ट में जो आपको ध्यान रखना है क्या किया गया है क्लाइमेट चेंज जो मिशन है एस्टैब्लिश किया गया है द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैजैब्लिश डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चैलेंज चेंज मिशन इन ऑल थर्टीएट डिस्ट्रिक्ट द कलेक्टर्स विल हेड द मिशन एज द मिशन डायरेक्टर्स द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल फंक्शन एज द क्लाइमेट ऑफिसर्स तो देखो भाई की पॉइंट जो है आपको इसी चीज में मिल जाएंगे थर्टी ए डिस्ट्रिक्ट में जो है क्लाइमेट चेंज मिशन आया है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा बेसिकली वो क्या करेगा हेड करेगा वो डायरेक्ट करेगा उसको और डायरेक्ट फो, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो है एक तरह से क्लाइमेट ऑफिसर्स का जो है रोल वहां पर निभाएंगे तो तीन पॉइंट जो है आपके यहीं पर क्लियर हो जाते हैं क्लियर एवरी वन चलिए अभी इस मिशन के बारे में बेसिकली देखते हैं क्लाइमेट मिशन है क्या द मिशन विल क्रिएट स्ट्रांग पॉलिसी सपोर्ट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट अब जितने भी सेक्टर्स है गवर्नमेंट में वहां पे क्या प्रॉपर स्ट्रांग पॉलिसी जो है वो क्रिएट करेगा

Manjapai campaign against the use of single use of plastic. The collectors will also work towards strengthening. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज एंड क्रिएटिंग बायोशील्ड इन कोस्टल एरिया मोटो बेसिक थीम आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है इट इज बेसिकली फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस के ऊपर फोकस किया जाएगा मंजापाई कैंपेन जो है बेसिकली किस चीज के ऊपर सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक या फिर जो जूट बैग यूज करे जाते हैं उस चीज के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है ये चीज स्टार्ट करी थी तो उस चीज को मोटिवेट उस चीज को बूस्ट करने के लिए चीज की जाएगी

जय हिंद अखिल जय हिंद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज क्या है इंटरनेशनल एंड भाई एस्पिरेंट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज प्लीज ध्यान रखिएगा जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम है एक ना एक में तो आपको देखने को 100 परसेंट न्यूज मिलेगी ही मिलेगी इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो इंडिया का रैंक डायरेक्ट आपको वन लाइनर पूछा जा सकता है इंडिया का पूछा जा सकता है फर्स्ट कौन आया वो भी आपसे पूछा जा सकता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा इंडिया का रैंक कितना है इंडिया रैंक वन थर्टी फाइव आउट ऑफ वन फोर्टी सिक्स कंट्री इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज द ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इट ranks india at 135 out of 146 countries in 2021 india was ranked 140 out of 156 countries iceland has retained its position Matlab

गुड रेखा वेरी गुड चलिए भाई व्हाट इज ग्लोबल जेंडर बेसिकली देखो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है बेंचमार्क दी करंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस फोर डायमेंशन चार डायमेंशन के ऊपर जो है इसको बेसिकली रिलीज किया जाता है आपको ध्यान रखना है पहला दैट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एजुकेशन अटेनमेंट हेल्थ एंड सर्वाइवल पॉलिटिकल एंपावरमेंट इन चीज के ऊपर जो है बेसिकली आपका ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है तो इन चार पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किन बेसिस के ऊपर जो है ये रिपोर्ट आती है ये इंडेक्स आता है तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी कितना है मेल फीमेल को इक्वल है या नहीं है एजुकेशन अटेनमेंट कितना है बोध सेक्सेस में हेल्थ एंड सर्वाइवल कितना है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है मेल फीमेल में इनके बेसिस पे जो है आपकी ये रिपोर्ट जो है आती है क्लियर है सबको एवरीवन एक बार बताइए भाई दिस न्यूज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट में भाई आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी है तो प्लीज ध्यान दीजिए क्लास के अंदर एंड लास्ट में आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दो सही होने चाहिए और जितने भी लोग भाई पहली बार बार आ रहे हो, रहे हो हो नए जुड़ते जा एक बार जो है सब्सक्राइब का बटन दबाते चलो उसके साथ में जो बेल आइकन है आल्सो प्रेस दैट बेल आइकन बिकॉज व्हाट हैपेंस आने वाली वॉट है नो, नोटिफिकेशन जो है आपको उससे मिल जाती है चलिए वेरी गुड निहाल सुप्रिया वसुधा धनंजय सीमन चलिए भाई अगल, अगली अगली न्यूज देखते हैं क्या है अगली न्यूज जो है अगेन इंटरनेशनल बियॉन्ड दी बॉर्डर्स और चाइना ने क्या बोला है भाई चाइना ने बोला है कि उनकी सीमा पे साउथ चाइना सी के पास जो है यूएस का एक शिप आ गया था जिसको उसने धकेल दिया है वहां से यूएस डिस्ट्रॉयड सेल्ड नियर दी डिस्प्यूटेड पार्सल आइलैंड इन दी साउथ चाइना सी ऑन जुलाई थर्टीन ड्रॉइंग एन

Freedom of navigation operations. The United Nations regularly carries out what it calls freedom of navigation operations in South China Sea, challenging what it says are restrictions in, on innocent passage imposed by China and other claimants. July 11 marked the sixth anniversary of ruling by an international tribunal that invalidated China's sweeping claims to the South China Sea a conduit for about. डॉलर थ्री ट्रिलियन वर्थ ऑफ शिप बोर्न ट्रेड ईच ईयर विच पास थ्रू बेसिकली साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे. तो वहां पे पे तो जो है बेसिकली यूएस क्या करता दे कीप ऑन सेंडिंग देयर शिप्स सो दैट जो है दे कैन प्रेजेंट देयर ओन डोमिनेंस देयर एज वेल चलिए वे गुड अब नेक्स्ट देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना है दैट इज डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज है और ये आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में अब देखो भाई ये न्यूज भी आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू डिफेंस और बेसिकली एक प्रॉपर नाम दिया गया है इसका अब आपको ध्यान रखना है लॉन्च ऑफ वाई थ्री जीरो टू थ्री दैट इज डूनागिरी फ्रिगेट जो है दैट इज लॉन्च इन टू हुगली रिवर एट गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन करता। तो आपको ध्यान रखना है तो एक नया जो फ्रिगेट uh, जो है लॉन्च किया है इसीलिए इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या दिया आपको ध्यान रखना है वाई थ्री जीरो टू थ्री वाई थ्री जीरो टू थ्री डूनागिरी जो है उसका नाम दिया है डायरेक्ट आपसे जो एग्जाम में नाम पूछ सकता है या फिर थोड़ा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दूनागिरी भी आपसे पूछ सकता है तो आपको ध्यान रखना है उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स द दूनागिरी द फोर्थ शिप एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट हैज द नेम ऑफ माउंटेन रेंज इन उत्तराखंड तो आपको ध्यान रखना है दूनागिरी जो है माउंटेन रेंज उत्तराखंड में जिसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है दीस आर फॉलो ऑन पी सेवेंटीन फ्रिगेट शिवालिक क्लास विद इम्प्रूव स्टेल्थ फीचर्स एडवांस वेपन सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लाइक आई टोल्ड यू बेसिकली आपका फ्रिगेट होता है उसमें मिक्सड आमामेंट्स होते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है एडवांस वेपन होंगे सेंसर्स होंगे उसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है तो दैट इज दिन फंक्शन ऑफ अ फ्रिगेट देन आपको ध्यान रखना है द लॉन्च ऑफ दिप विद इन सच अटैन इज टेस्टिमोनी टू दिटस

तो आपको स्टेटमेंट पता होगी भाई क्या क्या, क्या सही रख, क्या क्या सही है या फिर क्या क्या, क्या, क्या गलत है उत्तराखंड से जो बेसिकली नाम लिया है ये भी आपको ध्यान रखना है मिक्स्ड आर्मामेंट है ये भी आपको ध्यान रखना है और एक तरह से बहुत ही शॉर्ट स्पैन टाइम में जो है इसको बनाया गया है विच गिव इट्स अ गिव अ बूस्ट टू दी मेक इन इंडिया स्कीम एज वेल चलिए भाई वेरी गुड धनंजय वेरी गुड अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं भाई अबाउट पी सेवेंटीन ए उस बाई इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन लाइक आई टोल्ड यू आत्मनिर्भर भारत के ऊपर इंडिजिनियसली बिल्ड वॉरशिप है आपको पहले बताया इट इजीमोनी आत्मनिर्भरता एज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग एम दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तो जितने भी भाई स्टार्टअप्स वगैरह उसको डेवलप कर रहे हैं और मेन फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है मेक इन इंडिया स्कीम के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है इसके तहत चलिए भाई वेरी गुड पूजा वसुधा वेरी गुड भाई लिंक जो है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो साथ के साथ देखते देखते जो है जहां पे आप एसोसिएटेड हो तो प्लीज शेयर अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए जुड़िए हमारे साथ व्हाट्सएप पे वहां पे भी जो है आप हमारे साथ जो है डाउट्स पूछ सकते हो चलिए भाई वेरी गुड पूजा नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी प्लेनेट इन फोकस विच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट हाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग टू रिस्टोर वर्ल्ड एम्बेटल्ड केल्प फॉरेस्ट अब साइंटिस्ट कैसे देखो इसके ऊपर काम कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है साइंस एंड टेक प्लस आपकी जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो है ये न्यूज है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन है भाई किसी ने क्लास छोड़ के जाना नहीं है शेयर करना लास्ट में एवरी वन नीड्स टू अटेंड दी क्लियर है भाई सबको अभी तक वेरी गुड चलो पर्पल सी अर्चिन आर मंचिंग देयर वे थ्रू कैलिफोर्निया फॉरेस्ट एट द स्पीड एंड स्केल दैट हैव साइंटिस्ट फिशरमैन एंड डाइवर्स तो कैल्फ फॉरेस्ट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि होता क्या जो अंडर वॉटर फॉरेस्ट होता है विच इज मेड बाय एलगे उसको हम कैल्प फॉरेस्ट बोलते हैं देखो भाई ये रहा तो आपको प्लीज ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन आता है अबाउट कैल्प फॉरेस्ट आपके सी डी एस या फिर एनडीए में दीज फॉरेस्ट आर अंडर वॉटर फॉरेस्ट दैट थ्राई वेल इन कोल्ड न्यूट्री रिच वॉटर्स कैल्प आर लार्ज ब्राउन एलगे सी वीड्स अटैच टू दी फ्लोर एंड इवेंचुअली ग्रो टू दी वॉटर वॉटर तो आपको ध्यान रखना है कहां पे जो है आपका केल्फ फॉरेस्ट जो बेसिकली ग्रो करता है पहली चीज अंडर वाटर है ये और ये जो कैल्फ होते बेसिकली ब्राउन एलगे होते हैं ये आपको ध्यान रखना है और कहाँ पे रिलेटिवली जहां पे क्लियर वाटर होता है वहां पर ये उगते हैं तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है अबाउट केल्प फॉरेस्ट नेक्स्ट न्यूज ये आपकी अगेन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट रिलेटेड है टेकिंग ऑफ फ्रॉम कोप 26 इज ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव द वे टू फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया तो इंडिया ने बेसिकली क्या किया है दे हैव एस्टैब्लिश द ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो बेसिकली इसका मोटो है प्लीज ध्यान रखिएगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट अगर आपसे पूछता है कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का इस बार का मोटो क्या था तो आपको ध्यान रखना है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड जो है इस बार का मोटो था तो प्लीज डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे बनता है यहां से किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने बनाया है भाई विद यूनाइटेड जाए कि Green, जो है, किस कंट्री के साथ वेरी इंपॉर्टेंट द गोल इज टू कनेक्ट एनर्जी सिस्टम अक्रॉस बॉर्डर टू एक्सलरेट ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल एनर्जी अब किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है भाई, यहां पे भी आपको ध्यान रखना है बेसिकली आर फोकसिंग ऑन एनर्जी तो इंडिया ने एक और जो है जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी स्टार्ट किया था दैट इज आल्सो फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी और आईएसए के हेडक्वार्टर्स कहां पे है? आप सबको कमेंट करके बताना वांट टू सी किस किस को पता है कि भाई आई के हेडक्वार्टर्स कहां पे है चले भाई कमेंट करके बताइए वेरी गुड अब ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट क्या है एक बार कमेंट करो उसके बाद विल बी स्टार्टिंग अड बिल्कुल पंडित ऋषि बिल्कुल सही आंसर है आपका गुरुग्राम वेरी गुड कोई भी डाउट है बिल्कुल बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में मिक्स हिंदी और इंग्लिश में मिक्स लेकिन भैया फौज में ऑफिसर बनना है तो भाई इंग्लिश तो आनी चाहिए हिंदी तो फौज में कम ही चलती है तो यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश एज वेल एस इंटरव्यू भी तो क्लियर करना है बिल्कुल धनंजय दैट इज राइट वेरी गुड देखो भाई, व्हाट इज ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट अब आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन एंड इंडिया हैव प्लान टू इंप्रूव कनेक्शन बिटवीन दी वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड टू एक्सलरेट दी ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी तो इन्होंने बेसिकली इंडिया और जो यूके है ब्रिटेन उन्होंने डिसाइड क्या किया है उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी पावर को जो है एक तरह से वो कनेक्शंस जो है लेके आएंगे और किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे इस चीज को आपको ध्यान रखना है भाई रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा द प्रोग्राम विल कनेक्ट एट्टी कंट्रीज प्लीज रिमेंबर प्लीज रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस इनिशिएटिव के टुवर्ड्स क्या होगा भाई 80 कंट्रीज को जो है दे बी कनेक्टिंग अलाउंग सरप्लस एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू बी सेंट टू लोकेशंस विद डेफिसिट इट सर्व एज अ मॉडल फॉर हाउ डेवलप्ड कंट्रीज कैन असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन रिड्यूसिंग एमिशन एंड मीटिंग द एम ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वन डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels the grid will be built in three stages the first phase will focus on interconnectivity inside asia the second phase will in, uh, include africa while the third stage will focus on the global interconnectedness अब देखो भाई आपको मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं इस न्यूज़ की अब ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट जो है आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर फोकस्ड है भाई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस है जो भारत ने स्टार्ट किया है किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है यूके के साथ मिलकर स्टार्ट किया है ये चीज आपको ध्यान रखना है अब उनका बेसिकली डिसीजन क्या है उनका डिसीजन ये है कि जितनी भी कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज है उसको गाइड किया जाए कि भाई वो कैसे जो है फोकस कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ताकि जो अर्थ का एवरेज मीन टेम्परेचर जो है उसको लोअर डाउन जो है किया जाए जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्या कर रहा है बढ़ता जा रहा है तो इन चीजों के ऊपर जो है फोकस करना है उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भाई ग्रीन ग्रिड जो है ये तीन फेजेस में बेसिकली लॉन्च किया जाएगा जो मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज में क्या है भाई कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी जो होगी वो होगी एशियन कंट्रीज के अंदर सेकंड फेज में वो क्या करेंगे अफ्रीका को इंक्लूड करेंगे थर्ड फेज में जो है ग्लोबल लेवल पे जो है पूरी कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो यहां से जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वन लाइनर्स जो आपसे पूछा जाएगा तो आई होप किसी का कोई गलत नहीं होगा क्लियर है भाई सबको ये न्यूज एवरीवन कमेंट करके बताइए भाई शाबाश नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दैट इज हेल्थ इन फोकस भाई मुझे कमेंट जो है दिख नहीं रहे एस्पिरेंट्स कीप ऑन शेयरिंग द लिंक एज वेल निहाल वेरी गुड वेरी गुड निहाल देखो भाई नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है डेटा डेमोक्रेसी डब्ल्यू एच ओ फॉर पासिंग ऑन जीनोमिक्स टेक टू डेवलपिंग वर्ल्ड अब अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय डब्ल्यू एच ओ साइंस काउंसिल एक्सेस टू जीनोमिक टेक्नोलॉजीज नीड टू बी एक्सपेंडेड स्पेशली फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो कि हमारी कौन सी हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज हो जाती है इसके अंदर तो उन्होंने क्या बोला है भाई किस चीज को एक्सपैंड करने की जरूरत है जो जीनोमिक टेक्नोलॉजीज है उसको लो और मिडिल इनकम या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनमें फैलाने की ज्यादा जरूरत है एज पर दब्ल्यू एच ओ साइंस काउंसिल तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को अब जीनोमिक्स बेसिकली होता क्या आपको पता होना चाहिए जीनोमिक इज द स्टडी ऑफ ऑल पर्सन जीन इंक्लूडिंग इंटरैक्शन ऑफ दोज जीन विद ईच अदर एंड विथ द पर्सन एनवायरमेंट द फील्ड ऑफ जीनोमिक यूज बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी मेथड्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन डी एसिड एंड राइबो एसिड तो बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों चीजों में जो इसका यूज किया जाता है ये चीज आपको जो ध्यान रखने कि किस कंट्री में फोकस किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज लो टू मिडिल इनकम में जो है साइंटिस्ट ने बेसिकली बोला है कि इसको फैलाने की जरूरत है क्लियर है भाई सबको ये न्यूज एवरी अब व्हाट इज डब्ल्यू एच ओ साइंस काउंसिल जो है एस्टेब्लिश इन अप्रैल 2021 एप्रिली ट्वेंटी डायरेक्टर टू इम्प्रूव टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन दी साइंस एंड रिसर्च स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज इट करंटली कॉम्प्राइज ऑफ नाइन लीडिंग साइंटिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड इट आइडेंटिफाइड जीनोमिक्स एज द फोकस ऑफ इट्स फर्स्ट स्टडी गिवन सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन फॉर पब्लिक हेल्थ तो इससे बेसिकली किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है पब्लिक हेल्थ जो इससे इंप्रूव हो सकती है बाई स्प्रेडिंग जीनोमिक्स टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज क्लियर एवरी वन चलिए वे पहला क्वेश्चन तो ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज जो पहला क्वेश्चन है आज का सेशन का वो आपके स्क्रीन के सामने है एक बार अटेम्प्ट करने से पहले भाई शेयर कर दो जो बच्चे बीच में चले गए थे जिनको नींद आ गई थी उनको सबके सब उठ जाओ भाई चले फर्स्ट क्वेश्चन सामने विच सिटी हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 अभी अभी कराया था मैंने ये चले भाई वेरी गुड शाबाश कमेंट एवरीवन भोपाल इंदौर अहमदाबाद बेंगलुरु वेरी गुड निहाल वसुधा जीनियस नॉलेज बिल्कुल सही है भाई आपको ध्यान रखना है दैट इज अहमदाबाद इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन सिडनी एनर्जी फोरम इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल चले वेरी गुड एवरी वन स्टार्ट कमेंटिंग जियो स्ट्रेटेज इश्यूज क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल हेल्थ इशूज सेकेंड का भाई एवरी वन सेकेंड वसुधा नो बी बिल्कुल ध्यान रखना दैट इज राइट क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज रिसेंटली विच स्टेट इन इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन इन ऑल इट्स थर्टी एट डिस्ट्रिक्ट विच विल बी हेडेड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी मैंने इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो गे देटिंग एज क्लाइमेट ऑफिसर्स चले वे बिल्कुल सही है तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज वट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इंडिया अकॉर्डिंग टू दी रिसेंटली रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें आपको बताना है साथ में कमेंट करके बताना है पहली कंट्री कौन थी पिछली बार इंडिया की रैंकिंग कितनी थी वो भी कमेंट करके बताना है निहाल रेखा बिल, बिल्कुल सही आंसर है भाई शाबाश दो क्वेश्चंस और पूछे हैं मैंने वो भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ फर्स्ट कंट्री और इंडिया की लास्ट ईयर की रैंकिंग कितनी थी चलिए भाई शाबाश स्टार्ट कमेंटिंग वेरी गुड रेखा गौरव वेरी गुड शाबा शायलेश बिल्कुल सही है आपको ध्यान रखना है भाई दैट इज एज दी राइट आंसर पिछली बार जो थी एक सौ चालीस रैंकिंग थी और इस बार जो टॉप में कंट्री है दैट इज आइसलैंड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पार्सल्स आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी नॉर्थ सी साउथ चाइना सी गल्फ ऑफ तनकिन पार्सल्स आइलैंड जो है कहां पर सिचुएटेड है आपको बताना है चलिए भाई वेरी गुड एवरी वन स्टार्ट कमेंटिंग अनिमा निहाल साइलेश रेखा धनंजय बिल्कुल सही आंसर है भाई साउथ चाइना सी जो है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन दूनागिरी पी सेवेंटीन फ्रिगेट रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम कोलकाता इज एन उस टाइम भी बताया था मैंने भाई है क्या बेसिकली वट इज पी सेवनटीन दूनागिरी फ्रिगेट फ्रिगेट बताया था मैंने आपको भाई फ्रिगेट क्या होता है किसके पास होता है इंडियन नेवी के पास होता है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है उनके पास रहती है फ्रिगेट्स एंड इट इज अ वॉरशिप विद मिक्स्ड आर्मामेंट आपको ध्यान रखना दैट इज ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर वाटर फॉरेस्ट दैट थ्राइव वेल इन कोल्ड न्यूट्रिय रिच वॉटर्स आर कोल्ड क्या बोलते हैं इनको जो कि ठंडे पानी में शेलो वाटर में जो है ये उगते हैं अंडर वॉटर फॉरेस्ट कमेंट फास्ट एवरी वन वेरी गुड चलिएट इज एप्सल्यूटली राइट आंसर कैल्प जो है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इंडिया इनिशिएटेड द ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट विद विच ऑफ दइंग नेशन ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट जो है अभी अभी मैंने आपको बताया किस कंट्री के साथ जो है इंडिया ने बेसिकली स्टार्ट किया है किस नेशन के साथ स्टार्ट किया जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई एवरी कितने फेजेज में जो है ये होगा किस चीज के ऊपर फोकस्ड होगा ये भी कमेंट करके बताओ चलिए भाई शाबाश एवरीवन वेरी गुड बिल्कुल सही है भाई यूनाइटेड किंगडम जो है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही आंसर है ठीक है भाई तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बनते थे जितने भी हमने करंट अफेयर्स आज तक करी थी एंड एस्पिरेंट्स वॉरियर्स फ्यूचर ऑफिसर्स देखो भाई आपको जो है बहुत ही ज्यादा सीरियसली पढ़ना है सीडीएस एग्जाम एनडीए आप एफ कैट सीएपीएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हो

प्रेस दी बेलाइकन सो दैट यू गेट दी लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास वी टेक ऑन दिस चैनल अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को कोई डाउट होता है गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक ऑन टू व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करिए आज यू डाउट देयर और जिन्होंने डाउनलोड नहीं करिए भाई एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गो डाउनलोड दी एप्लीकेशन अपनी जो तैयारी है उसको भाई ए आई बनाइए और बहुत ही जबरदस्त करिए थैंक यू सो मच so जय हिंद जय जाह भारत And we believe in you.